हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके सिक्स प्रॉब्लम्स किए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंट ऑफ फोर्स का सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए शोन इन फिगर। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखिए इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। इसका मतलब यहां पे जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट ए। तो यहां पे टोटल कितने फोर्सेस है, यहां टोटल तीन फोर्सेस दिए हैं, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन और ये 20 न्यूटन, और ये तीनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट मोमेंट यानी ही टोटल मोमेंट यानी ही इक्विवेलेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वही रहेगा जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इसके पहले हमने हर एक प्रॉब्लम में मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड अप्लाई किए थे वही मेथड का हमें यूज करना है। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज घूमती है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। द फोर्स व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड अ मोमेंट फोर्स। और ये मोमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमें मोमेंट यहां पे फाइंड आउट करना है, सभी फोर्सेस का हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ए। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जो टोटल तीन फोर्सेस दिए हैं, तीनों फोर्सेस में सबसे पहले चेक करो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलावा कोई इंक्लाइंड फोर्स दिया है क्या। तो यहां देखो 30 न्यूटन एक इंक्लाइंड फोर्स दिया है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स है, लेकिन ये एक इंक्लाइंड फोर्स है। यहां पे इंक्लाइंड फोर्स दिया है, कितना डिग्री से इंक्लाइंड है वो नहीं दिया है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये फाइंड आउट करना काफी आसान है, वो इसीलिए क्योंकि यहां देखिए ये एक स्क्वायर बॉडी दिया है, यहां पे 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर बॉडी है और स्क्वायर बॉडी में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और यहां पे ये देखिए ये डायगोनल के थ्रू यहां पे 30 न्यूटन दिया है, और अगर ये डायगोनल है तो जाहिर सी बात है यहां पे ये जो एंगल है ये हो जाएगा 45 डिग्री का, क्योंकि ये 90 है, 90 का हाफ करेंगे तो 45 आता है। तो फाइनली 30 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स का हमें एंगल मिल गया। और अब हम क्या करेंगे, 30 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंक्लाइंड फोर्स को हमेशा दो पार्ट में रिजॉल्व करना होता है। तो ये देखिए ऐसा हम इंक्लाइंड फोर्स 30 न्यूटन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। 30 न्यूटन का डायरेक्शन है आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो गए और इसका एंगल 45 डिग्री का है। तो हम यही एंगल का यूज करके इसको रिजॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 30 cos ऑफ 45 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 30 sin ऑफ 45 डिग्री। तो हम यहां पे वो भी लिख लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हमने इंक्लाइंड फोर्स को यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, तो हमने वही किए, 30 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। और अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो क्वेश्चन में हमें यहां पे रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इट मींस मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट को एम से शो करेंगे। तो हम यहां पे शो करेंगे मोमेंट, हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ एम ए। समेशन ऑफ एम ए माने समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। इसका मतलब यहां पे जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है, और इस तरह से हमने लिखा है। और समेशन करने का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस यहां पे क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उनको हम प्लस मिलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले माइनस। तो चलो हम यहां पे टोटल कितने फोर्सेस है पहले वो चेक कर लेंगे। तो यहां पे टोटल अब देखिए पहले तो स्टार्टिंग में तीन फोर्सेस दिए थे लेकिन इंक्लाइंड फोर्स को हमने रिजोल्व कर लिए। तो अब यहां पे रिजोल्यूशन के बाद चेक करो कि टोटल कितने फोर्सेस है, तो यहां टोटल चार फोर्सेस हो गए हैं, एक 10 न्यूटन, एक 20 न्यूटन, एक 30 cos ऑफ 45 और एक 30 sin ऑफ 45। ऐसे टोटल चार फोर्सेस हो गए और अब ये सभी चारों फोर्सेस का हमें मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। तो चलो मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, लेकिन मोमेंट अप्लाई करते समय हमने आपको रूल बताए थे कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। इसके पहले के हर एक वीडियो में ये रूल हमने यूज किया है।
मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट अगर आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो पहले चेक करो कि ये चार में से कितने फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे हैं। जो भी फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे वो सभी फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, इट मीन वो फोर्स इक्वेशन में नहीं आएगा और जो फोर्स सेफ है वही इक्वेशन में आएगा। तो चलो चेक करते हैं कि कितने फोर्सेस यहां ए से पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले 10 न्यूटन देखिए, 10 न्यूटन ए से पास हो रहा है। 10 न्यूटन का वे ऑफ एक्शन क्या है, 10 न्यूटन ए टू बी जा रहा है। देखिए ए टू बी जा रहा है, इट मींस वो ए से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 10 न्यूटन जीरो हो गया। तो 10 न्यूटन जो है वो मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा क्योंकि वो ए से पास हो रहा है, इसलिए वो जीरो हो गया। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे ये 30 cos 45, तो ये भी जीरो हो गया। 30 cos 45 भी ए से पास हो रहा है। अब आपके मन में आएगा कि सर 30 cos 45 ए से कैसे पास हो रहा है, वो तो ए से ऊपर है। आपके मन में आएगा वो तो ए के ऊपर से पास हो रहा है, वो तो ऊपर से जा रहा है, ए से पास नहीं हो रहा है। नहीं, 30 cos 45 100% ए से पास हो रहा है। कैसे, क्योंकि देखिए ये जो 30 न्यूटन फोर्स है इसके तरफ जरा ध्यान दो आप, ये जो 30 न्यूटन फोर्स है ये कहां से कहां जा रहा है उसके तरफ आप पहले चेक करो। ये 30 न्यूटन फोर्स बी टू डी जा रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्लियर कट। 30 न्यूटन का फोर्स बी टू डी जा रहा है। अगर ये बी टू डी जा रहा है इसका मतलब ये है ये 30 न्यूटन का जो फोर्स है वो बी से निकल रहा है। देखिए इसका जनरेटिंग पॉइंट बी है, ये बी से निकल रहा है, ठीक है ना, ये 30 न्यूटन ऐसा बी से निकल रहा है। अगर 30 न्यूटन बी से निकल रहा है तो 30 न्यूटन के दोनों कंपोनेंट्स भी बी से ही निकलेंगे, ठीक है। 30 न्यूटन अगर बी से निकल रहा है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी बी से ही निकलेंगे। देखिए ये है ओरिजिनली 30 cos 45 और ये है ओरिजिनली 30 sin 45। ये जो हमने यहां पे शो किया है ना 30 cos 30 sin, ये एक्चुअली यहां पे जस्ट हमने शो किया है, सिर्फ शो किया है। आप शो तो कहीं पे भी कर सकते हैं, आप ये 30 cos 45 30 sin 45 आप चाहे तो यहां पे भी शो कर सकते हैं, आप चाहे तो फोर्स को एक्सटेंड करके आप यहां पे भी शो कर सकते हैं, कहीं पे भी शो कर सकते हैं। इंक्लाइंड फोर्सेस का रिजोल्यूशन आप पूरे डायग्राम में कहीं पे भी शो करो, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ओरिजिनली वहां से जा रहा है। हमने यहां पे शो किए इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनली यहां से जा रहा है। अगर हम यहां शो करेंगे तो मतलब ये नहीं कि ये ओरिजिनली वहां से जा रहा है। एक्चुअली फोर्स कहां से जाता है, जहां से, ये देखिए ये 30 न्यूटन, देखिए 30 न्यूटन बी से निकल रहा है। अगर 30 न्यूटन बी से निकल रहा है तो 30 के दोनों कंपोनेंट्स भी बी से ही निकलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है कि यहां पे ये 30 cos 45 कैसे जीरो हो रहा है, तो वो हमने क्लियर कर दिया है कि ये जो 30 है ये 30 बी से निकल रहा है, तो इसके दोनों कंपोनेंट भी बी से ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 30 cos 45 है, देखिए ये जो 30 cos 45 है ये B टू A जा रहा है, देखिए B टू A, इसका मतलब ये A के तरफ जा रहा है, इसीलिए 30 cos 45 जीरो हो जाएगा। फाइनली 30 cos 45 जीरो हो गया, ये कंफर्म है। टोटल चार फोर्सेस थे, चार में से दो फोर्सेस को हमने जीरो कर दिया है, 10 न्यूटन को और 30 cos 45 को, बचे हैं दो फोर्सेस। चलो उनको भी चेक करते हैं कि वो जीरो होते हैं या नहीं। सबसे पहले 20 न्यूटन को चेक करो, 20 न्यूटन कहां से कहां जा रहा है, 20 न्यूटन सी टू बी जा रहा है, देखिए सी से बी की तरफ जा रहा है। अगर वो सी से बी की तरफ जा रहा है इसका मतलब वो जीरो नहीं हो रहा है, वो ए से पास नहीं हो रहा है, वो सेफ है, ठीक है। ए से पास होगा तो ही जीरो, ए से पास नहीं हो रहा है, ये जो 20 है ये सेफ है, सी टू बी जा रहा है, ओके वो सेफ है। और ये 30 साइन 45 देखो कहां से कहां जा रहा है, हमने कहा था कि यहां से निकल रहा है 30 cos और ये निकल रहा है 30 साइन, देखिए ये 30 cos 45, ठीक है, और ये 30 साइन 45, 30 cos 45 तो ये A की तरफ जा रहा है, B से A की तरफ जा रहा है, तो इसको हमने जीरो ले लिए। लेकिन 30 साइन 45 देखो ऐसे B टू C की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसा B से C की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो सेफ है, वो A से पास नहीं हो रहा है, वो सेफ है। इसका मतलब यहां टोटल दो फोर्सेस सेफ है, कौन से, सबसे पहले 20 न्यूटन सेफ है और दूसरा ये 30 साइन 45 ये सेफ है, दोनों फोर्सेस सेफ है और ये दोनों फोर्सेस यही पे है। देखो 20 न्यूटन सी टू बी जा रहा है और 30 साइन 45 बी टू सी जा रहा है, ठीक है। फाइनली यहां पे चार में से दो जीरो हो गए, दो सेफ है, तो जो दो सेफ है वो इक्वेशन में आएंगे, बस उन्हीं को चेक करो कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि समीशन का रूल है कि क्लॉकवाइज जो रहेगा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसे प्लस में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज जो रहेगा वो माइनस में लेना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे बुक्स में ये जो मोमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ये एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले प्लस ऐसा लेके सॉल्व किया है, तो ऐसे में क्या करना, तो हम बताना चाहेंगे कि आप क्लॉकवाइज जाने वाले प्लस लो या एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले प्लस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। ये जो समेशन का रूल है ये समेशन का रूल फिक्स नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिया है, कुछ
बुक्स में क्लॉकवाइज जाने वाले प्लस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले प्लस लेके सॉल्व किया है। वैसे हमारा आपको सजेशन ये रहेगा कि आपके कॉलेज में जो भी लेक्चरर आपको मेथड पढ़ाते हैं आप वही मेथड को फॉलो करो, क्योंकि आपके कॉलेज में जो लेक्चरर आपको पढ़ाएंगे वही मेथड आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। तो आप अपने कॉलेज के लेक्चरर के हिसाब से चलो कि आपके कॉलेज में क्या पढ़ा है, आप उसी अकॉर्डिंग चलो। हमेशा कोई भी एक रूल से सॉल्व करना होता है, रूल बस आपको एक ही रखना है, हमेशा एक रूल से सॉल्व करना, हमेशा या तो क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करना या तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करना, ये पूरा चॉइस आपका है। फाइनल आंसर हमेशा एक ही आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमने बता दिए हैं टोटल चार में से कितने जीरो होंगे और कितने सेफ है, तो यहां पे दो जीरो हो गए और ये दो फोर्सेस सेफ है, तो जो दो फोर्सेस सेफ है उनको हमें इक्वेशन में लेना है। तो चलो हमें उनको चेक करना है कि क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा। तो सबसे पहले 20 न्यूटन को चेक करेंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और चेक करना काफी आसान है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करने के लिए जैसा आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जैसा आप कंपास को रोटेट करते हैं बिल्कुल वैसा ही आप यहां पे डेमोंस्ट्रेशन करके देखेंगे। तो ये दो फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, तो ये दो फिंगर्स में से एक फिंगर आपको वहां रखना है जहां पे आपने मोमेंट लिया है और दूसरे फिंगर को आपको फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है। तो चलो मोमेंट आपने ए पे लिया है, तो ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखते हैं और जो ये 20 न्यूटन जो नीचे जा रहा है हम वो फोर्स के अकॉर्डिंग हम अपना दूसरा फिंगर घुमाएंगे। मोमेंट ए पे है तो ये फिंगर हमने ए पे रखे और देखो 20 न्यूटन कहां जा रहा है, ये देखो ये जो 20 न्यूटन है ये ऐसा नीचे जा रहा है, तो ये जो हमारा दूसरा फिंगर जो फ्री है उसको हम फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। 20 नीचे जा रहा है तो हाथ को भी ऐसा नीचे घुमाओ, हाथ को नीचे घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए ये हो गया ऐसा क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज 20 न्यूटन क्लॉकवाइज। तो हम लिखेंगे 20 को प्लस में लिखेंगे इनटू ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस हम लिखेंगे 2, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। डिस्टेंस फाइंड आउट करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए भी हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। डिस्टेंस अगर आपको चेक करना है कि आपका करेक्ट है या नहीं, तो वो कैसे चेक करना, तो काफी आसान है। हमेशा ध्यान में रखो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए आपको वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है, ठीक है, उसी तरह से वर्टिकल फोर्स के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, ये हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हमेशा फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स का डिस्टेंस वर्टिकल होगा तो वर्टिकल फोर्स का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, ठीक है। इसलिए हमने देखिए ये 20 न्यूटन के लिए डिस्टेंस कितना लिखे, डिस्टेंस हमने लिखे यहां पे 2 मीटर, क्योंकि 20 एक वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये लिखा है। देखिए ये वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने ये लिखा है, ठीक है, ये देखिए इसका मतलब ये लिखा है हमने, ये जो वर्टिकल फोर्स है वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और अब हम नेक्स्ट फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, 30 sin of 45, ये भी सेफ है, तो 30 sin of 45 ऊपर जा रहा है, तो चलो अब हम उसको चेक करते हैं कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर ये दो में से एक फिंगर जो है आप ए पे रखो, तो हम ये जो लेफ्ट वाला फिंगर है वो हम ए पे रखते हैं और दूसरा फिंगर जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में हम घुमाएंगे। मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर एक फिंगर हमने ए पे रखे और 30 sin 45 ऐसा ऊपर जा रहा है, फोर्स ऊपर जा रहा है, तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ, ऐसा ऐसा ऊपर घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या है, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। 30 sin of 45 एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम लिखेंगे -30 sin of 45 इनटू डिस्टेंस ए से लेके 30 sin of 45 तक का डिस्टेंस, फिर से 2, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हमने फिर से यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 मीटर यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2 मीटर, ठीक है। तो फाइनली ये हमने लिख दिया है और अब इसको कैलकुलेट करना काफी आसान है। देखते हैं कैलकुलेटर में इसका आंसर कितना आएगा। कैलकुलेटर आपको डिग्री मोड में रखना है, तो हम लिखेंगे 20 × 2 − 30 sin of 45 × 2, तो ये आंसर आ चुका है। माइनस में 2.426 यहां पे न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इसलिए क्योंकि यहां पे न्यूटन में दिया है और डिस्टेंस मीटर में दिया है और मोमेंट हमेशा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसलिए यहां पे फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन ये माइनस में है, माइनस में है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस को हम यहां रिमूव कर देंगे। 2.426 न्यूटन मीटर ये हमने लिखा है और ब्रैकेट में आप यहां पे लिख दो एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज ये हमने लिख दिए, वो इसलिए क्योंकि मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमने यहां पे क्लॉकवाइज वाले प्लस लिया है। देखिए क्लॉकवाइज वाले प्लस समेशन का रूल है, तो ये रूल के हिसाब से पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, तो निगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज। हमारा मोमेंट का आंसर माइनस में आया, इसका मतलब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने माइनस को रिमूव करके यहाँ पे जो आंसर लिखा है हमने ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज लिख दिए, इसका मतलब मोमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था मोमेंट ऑफ फोर्स का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी करना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।